फ्रेंड, आज हमारे पास VW की टिगोन गाड़ी आई हुई है, तो हम इसका पीछे का रियर ब्रेक पैड रिप्लेस करने वाले हैं। तो हम आपको इसमें बताएंगे कि इसका ब्रेक पैड किस तरह से रिप्लेस किया जाता है और इसको रिप्लेस करने के लिए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी, वो हम सब आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं इसका जो ब्रेक पैड है, अगर आपको ओपन करना है तो सबसे पहले तो इसका इग्निशन ऑन कर लीजिए। देख सकते हैं हमने इसका इग्निशन ऑन करके रखा है, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले तो इग्निशन ऑन कर लीजिए। तो फ्रेंड, इसका हम ब्रेक पैड रिप्लेस कर रहे हैं, हमने आपको इस वीडियो में बताया था। तो फ्रेंड, इसमें खासियत क्या है वो हम आपको बताते हैं। इसके गाड़ी का जो पिस्टन है कैलिपर का, ये आप इग्निशन ऑन करके ही इसको अंदर की तरफ दबाइएगा। अगर आप इग्निशन ऑन नहीं किए रहेंगे तो आपका पिस्टन अंदर नहीं जाएगा। हमने इस गाड़ी का इग्निशन ऑन करके रखा है, वो हमने आपको दिखाया था वीडियो में, और इग्निशन ऑन करके ही इसको अंदर की तरफ दबाइएगा तो आपका पिस्टन अंदर जाएगा। अगर आपने इग्निशन ऑन नहीं किया है तो आपका पिस्टन अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको ब्रेक पैड रिप्लेस करना रहेगा तो। और एक बात है फ्रेंड, इसमें अगर समझ लीजिए आपने इसका सस्पेंशन ओपन किया है, ठीक है, आप सस्पेंशन ओपन कर रहे हैं या ब्रेक पैड आपने ओपन कर दिया, आपका ये ब्रेक पैड अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको इसी पोजीशन में छोड़ दिए हैं और आप गाड़ी अंदर जाते हैं इग्निशन ऑन करके, आप समझ लीजिए काच ऊपर करके गाड़ी लॉक करने जा रहे हैं। तो गाड़ी आप लॉक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो पिस्टन है ये आपका बाहर आ जाएगा। तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा फ्रेंड। अगर आपको करना भी रहेगा तो हम आपको तरीका बताते हैं, या अगर आपके पास समझ लीजिए ऐसा कूलर रहेगा तो इस कूलर से इस द्वारा इसको टाइट करके कुछ भी चीज़ से ऐसा लॉक कर दीजिएगा। हमारे पास तो कूलर है तो हमने इसको लॉक कर दिया। लॉक करके आप इसको दो दिन, चार दिन, कितना भी दिन छोड़ सकते हैं, ऐसा लॉक कर दीजिए। या फिर आपके पास समझ लीजिए पिस्टन ऐसा ब्रेक पैड है तो आप इसमें दो ब्रेक पैड डाल के ऐसा छोड़ दीजिए। कुछ भी मतलब फिक्स दो है, दो और ब्रेक पैड डाल के, मतलब तीन चार ब्रेक पैड डाल के ऐसा इसमें छोड़ दीजिए, तो आप इसको छोड़िएगा, ओपन कीजिएगा। नहीं तो अगर जैसे आप गाड़ी इग्निशन ऑफ करके और गाड़ी लॉक करेंगे वैसे ही आपका पिस्टन बाहर आ जाएगा, पूरी तरह से फेंक देगा, आपका ब्रेक पूरी तरह से फेल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ मत कीजिएगा, ये हम आपको बात बता रहे हैं, बस इतना बात ध्यान दीजिएगा। और ब्रेक पैड चेंज करना रहेगा, रिप्लेस करना रहेगा तो इग्निशन ऑन करके ही इसके पिस्टन को दबाइएगा, तो ही आपका अंदर जाएगा, नहीं तो अंदर नहीं जाएगा। ये इसमें दो खासियत वाली बात है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड, ये इसका नया ब्रेक पैड है जो हम इसमें रिप्लेस कर रहे हैं। ये इसका पुराना ब्रेक पैड आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं इसका पुराना ब्रेक पैड है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। फ्रेंड, इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये नए का डिशन देखिए कितना है और ये पुराने का देखिए कितना है। ये 80% फ्रेंड पूरी तरह से घस चुका है, सिर्फ 20% बचा है। तो इसके लिए हमें ब्रेक पैड रिप्लेस कर रहे हैं। इसका कैप है फ्रेंड, इसमें 7 नंबर का एलंकी लगता है फ्रेंड, 7 नंबर के एलंकी से आप इसका ब्रेक पैड का जो बोल्ट है उसे ओपन कर सकते हैं कैलिपर का। इसका लॉक है,
ठीक है फ्रेंड, ये हमारा ब्रेकफेड का जो वीडियो था रिप्लेस का ये पूरा हो चुका है। और एक फ्रेंड एक बात है, अगर समझ लीजिए कि आपने ब्रेकफेड कैलिपर बाहर निकाल के रखा है, आपके पास कुछ इसके अंदर कैलिपर के अंदर डालने के लिए नहीं है, तो आप इसका जो कैलिपर का मोटर आता है हैंड ब्रेक का, उसका सॉकेट भी निकाल सकते हैं। अगर आप सॉकेट निकाल देंगे तो भी आपका पिस्टन बाहर नहीं आएगा, तो आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। इसका सॉकेट भी निकाल सकते हैं, इसका सॉकेट हम आपको बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये इसका सॉकेट है, आप इसे भी ओपन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये सॉकेट आप निकाल देंगे तो भी आपका ये पिस्टन बाहर नहीं आएगा। आप स्विच ऑन कीजिए, गाड़ी चालू कीजिए, स्टार्ट कीजिए, बंद कीजिए, तो भी आपका ये पिस्टन बाहर नहीं फेंकेगा। तो अगर आपको ऐसा अगर समझ लीजिए आपका ब्रेकफेड नहीं मिला, आप एक दो दिन के लिए गाड़ी खड़ा करके रखे, तो गलती से क्या हुआ आपके, समझ लीजिए लड़के ने आया गाड़ी स्टार्ट कर दिया, या कंप्लीट सर्विस के लिए गाड़ी आया, समझ लीजिए आपने आगे का ब्रेकफेड चेंज कर दिया, इंजन ऑयल रिप्लेस कर दिया, आप गाड़ी स्टार्ट करके देखना चाहते हैं, और पीछे का आपने समझ लीजिए पिस्टन कैलिपर लगाया नहीं, आपने इसे ओपन रखा है, तो इसका सबसे पहले ये जो सॉकेट है वो निकाल दीजिएगा। नहीं तो आप जैसे गाड़ी स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके बंद करेंगे, पिस्टन आपका बाहर फेंक देगा। तो या तो इसके अंदर आपको दोनों हमने बता दिया है, या तो इसका सॉकेट ओपन कर दीजिएगा, या तो इसके अंदर ब्रेक पैड या जो कूलर कुछ भी इसके अंदर कैलिपर के अंदर डाल के छोड़ दीजिएगा पिस्टन के अंदर, ठीक है फ्रेंड। बात याद दीजिएगा, इग्निशन ऑन करके ही इसका जो कैलिपर का पिस्टन है उसे दबाइएगा, नहीं तो आपका पिस्टन अंदर नहीं जाएगा, ब्रेक पैड रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो आज का ये हमारा वीडियो था ब्रेक पैड रिप्लेस का। तो गाइस, ये हमारा राइट साइड का भी ब्रेक पैड रिप्लेस हो चुका है, देख सकते हैं ये नया ब्रेक पैड है। आपको हम थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो हमने राइट साइड का भी ब्रेक पैड रिप्लेस कर दिया है, लेफ्ट साइड का भी ब्रेक पैड रिप्लेस कर दिया है, बस हमने जो आपको बताया है उस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा राइट साइड का भी रिप्लेस हो चुका है, ये हमारा लेफ्ट साइड का भी रिप्लेस हो चुका है, देख सकते हैं। तो अब हमने इसका इग्निशन ऑन करके रखा था फ्रेंड, तो अब इसका इग्निशन हम ऑफ करेंगे। ये देख सकते हैं, हमने इसका इग्निशन ऑन करके रखा था, तो अब हम इसका इग्निशन ऑफ कर देंगे क्योंकि हमारा ब्रेक पैड रिप्लेस हो चुका है, ठीक है फ्रेंड। ब्रेक ऑन कीजिए, ये हमारा दोनों साइड का व्हील फ्री है, ठीक है। तो हमारा व्हील भी फ्री है, जाम वाम नहीं है, हमने इसका ब्रेक पैड रिप्लेस किया उसके बाद भी। फ्रेंड ये आपको चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है इसका जो पिस्टन है वो अगर जाम रहता है तो आपका ये जो व्हील है फ्री नहीं रहेगा। तो आप कभी भी ब्रेक पैड रिप्लेस करके पंप करके एक बार आप व्हील अपना घुमा के चेक कर लीजिएगा कि आपका व्हील फ्री है कि नहीं है, क्योंकि कैलिपर का जो पिस्टन आता है वो किसी किसी गाड़ियों का जाम हो जाता है, तो आप जैसे पंप करते हैं तो आपका डिस्क पूरी तरह से पकड़ लेता है, घूमता नहीं है, तो इस बात को सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आज का ये हमारा वीडियो था ब्रेक पैड रिप्लेस का, तो हमने आपको इसमें पूरा डिटेल दे दिया है, बस इसको रिप्लेस करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।